जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में जमीनी रंजिश में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की शनिवार की सुबह ईंट पत्थर से सिर पर वार करके हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। गौरतलब है कि चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में प्रद्युमन गुप्ता का परिवार वर्षों से रहता है। प्रद्युमन के दो बच्चे हैं। प्रद्युमन गुप्ता के छोटे भाई परोरा गुप्ता की भी शादी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी पत्नी चली गई और वे वैराग्य जीवन यापन करते हुए कई दशकों से घर से बाहर रहे। ग्रामीणों का कहना है कि परोरा गुप्ता एक वर्ष पूर्व दोबारा भरतपुर गांव लौटे थे, अपने भाई के घर ही रहते थे। शनिवार की सुबह को लहूलुहान एक शव बरामद हुआ। सीओ चौरी चौरा कुलदीप तिवारी ने बताया कि चौरी चौरा के भरतपुर गाँव के सगे भाई ने अपने भाई की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या कर फरार हो गया। आरोपी भाई और उसके परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा कुलदीप तिवारी ने कहा, बीती रात 2/3 अप्रैल को थाना चौरी चौरा क्षेत्र में ग्राम भरतपुर तेलिया टोला निवासी परोरा गुप्ता सनौत स्वर्गीय गोहर गुप्ता जो कि साधु थे, उनका सिर पूछ करके ईंट पत्थर से हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले मृतक परोरा गुप्ता के सगे भाई प्रद्युम्न गुप्ता की पत्नी मुन्नी देवी और प्रद्युम्न गुप्ता के दो बेटे अरविंद और अनिरुद्ध, ये लोग हैं। संपत्ति विवाद में इन लोगों ने इनकी हत्या की है। मौके से लोग फरार हो गए हैं। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करके तलाश की जा रही है।